माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। कैसे हो आप लोग? तो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या थॉट्स चल रही हैं आपको लेके, ठीक है, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, सो आप सभी के बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे मैसेजेस देखेंगे हम, साथ में पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे, और अगर सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहेंगे आपके पार्टनर तो साथ में वो भी देखेंगे। ओके, तो ये एक टाइमलेस जेंडर रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो। ओके, और वीडियो अगर पसंद आएगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और आप लोग मुझे इंस्टा में बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ पर भी आप लोग मेरे फैमिली बन जाओ। ओके, सो इंस्टा में भी फॉलो करना ना भूलना। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। ओके, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले अपने पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में आपको लेके। ओके, एंड उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रेयर्स कर लो, थोड़ा मेडिटेट कर लो। ओके, और अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सोचो ताकि एनर्जीज कलेक्ट हो पाए। ओके, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखो आप लोग। ओके, तो आपके साजन जी को मिलना है आपसे, और भी कार्ड देखते हैं। ओके, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो ये देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। बहुत कुछ फील कर रहे लग रहा है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास है द वर्ल्ड। ये ओके, डेफिनेटली किसी के लिए कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं, अब दोनों के बीच में सेपरेशन की एंडिंग हो रही है, किसी के लिए कार्मिक सिचुएशंस एंड हो रहे हैं, एंड किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, वाओ ओके, सो जो कार्ड्स है वो हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। जो साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। एक्वेरियस हमारे पास स्पेशली है, ठीक है, जेमिनाई भी है हमारे पास स्पेशली। फिर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन एरीज, लियो, सैज। अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और सब आप लोग सब देख रहे हो, सबके साइंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि उनकी जो विल है, ठीक है, उनकी जो चाह है वो है आपसे मिलना। हो सकता है कि आप लोग बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोग आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, अभी तक मिले ही नहीं हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए मिलने की प्लानिंग्स चल रही है, मन में इच्छा है मिलने की, या फिर आप लोग अभी सेपरेशन में हो, बहुत टाइम से एक दूसरे को देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, ठीक है, पास नहीं आए हो एक दूसरे के, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपके तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। ओके, हो सकता है किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़े इश्यूज हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, जहाँ पे मदर इश्यूज, कैरियर इश्यूज हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है, किसी किसी के लाइफ में, लेकिन वो सबको छोड़ के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टू ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनके पास अभी पावर है, ठीक है, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, वो सोच रहे हैं, उनके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ों से वो लड़ रहे हैं, या जो भी उनके ऊपर जो बर्डन्स हैं, उस सबको वो छोड़ के आपकी तरफ आए, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा होप्स हैं उनको आपके कनेक्शन को लेके, दस्ता बहुत ज़्यादा होप्स हैं उनको आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेकर, एंड वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी सक्सेस का, ठीक है। हो सकता है कि वो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रिक्शन से जा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, काम में बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेशेंटली थोड़ा सा वेट किए हुए हैं, या फिर पेशेंटली थोड़ा सा होल्ड में रखें आप दोनों के कनेक्शन को। द एम्प्रेस आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह वो देखते हैं, ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको वो अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, जहाँ पे आप उनकी सारी चीज़ें फुलफिल करते हो,
ठीक है, उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि आप एक मदर फिगर हो, ठीक है, मतलब उनकी जो माँ की जो परछाई है, जैसा वो अपने माँ के अंदर देखते हैं वो चीज़ वो आप में भी खोजते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते हो या फिर बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उनके डांटते भी हो, सब कुछ है, मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से मेच्योर हो, एज में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आव भाव से हो सकता है कि थोड़े से मेच्योर हो, तो आप उन्हें डांटते हो कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये करो ये करो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, सारी चीज़ों में, बस प्यार में नहीं, आप सारी चीज़ों में हेल्प करते हो, सारी चीज़ों से निकलने में मदद करते हो, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी बताती हूँ उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एंजल्स भी हैं, ठीक है, प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर ने शायद आपको कुछ प्रॉमिस किया हो, देखो कार्ड्स आए, ओके, अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे थे, जिसके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे थे, वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, ठीक है। उन्हें कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, हो सकता है कि आप लोगों के रिसेंटली कुछ झगड़ा वगैरह हुआ हो आपके पार्टनर के, हो सकता है रिसेंटली आपका कुछ झगड़ा हुआ हो या फिर ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, या फिर आप उनको अब कॉन्टैक्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है ना कि शायद दूरियाँ बढ़ रही हैं या फिर कैसे उस चीज़ को ठीक करें, थोड़े से एंशियस होते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके खुद के पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, अपने करियर में काम कर रहे हैं, उसमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उनको भी वहाँ पे मतलब पूरी तरीके से एक सक्सेस, एक जो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से डिप्रेस, थोड़ी सी दुख की एनर्जी में है, लेकिन डेफिनेटली आपके कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, विशफुल फिलमेंट, ठीक है। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ों को वो पाके आपके तरफ आएँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाना मतलब उनकी विश कम ट्रू है, ठीक है। मतलब वो जैसा सपने में देखते थे या जैसा ड्रीम करते थे या फिर जैसा उन्हें लगता था कि एक ऐसी पार्टनर होनी चाहिए जो मुझे इस तरीके से संभाले, इस तरह से प्यार करे, उसी तरीके से आपको, तो वो चाहते हैं कि पहले वो सक्सेस पाएँ, पहले स्टेबिलिटी पाएँ और पहले कुछ बने, उसके बाद वो आपको एक पूरी रिस्पेक्टफुल वे में आपके पास आना चाहते हैं, अपने फैमिली, आपके फैमिली से बात करना चाहते हैं, अपने फैमिली से आप दोनों को लेके बात करना चाहते हैं। एंड देखो टू ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है। ट्रू लव है यहाँ पे, डेफिनेटली ट्रू लव है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, ट्रू लव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं वो आपके लिए, एंड वो सारी चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ ही डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, अगर कुछ कास्ट इश्यूज़ हैं, एज डिफरेंस है, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस है, कुछ भी डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद वो इस तरह अभी इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रूर वो आएंगे, ठीक है। वो पूरे मूड में आने के, एंड वो खुद आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो, जल्दी जल्दी उन्हें कुछ काम मिले, जल्दी जल्दी वो स्टेबिलिटी पाए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जल्दी जल्दी आपके पास आ पाए, ठीक है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी एंड सोलमेट्स की लग रही है, ठीक है। तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों का, ठीक है, एक दूसरे के अदर हाफ हो आप लोग। थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा बैलेंस, क्योंकि लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पेशेंटली आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है इस टाइम पे, एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उनके खुद के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो आपके तरफ इतना अच्छे से बोलते नहीं हैं या कुछ शो नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है वो, ठीक है, उनका नेचर पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे, थोड़ी बहुत, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो शायद कहीं आप किसी और से बात कर रहे हो या किसी और के लिए आपको फीलिंग्स आ रही है या मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत परफेक्ट नज़र में देखते हैं। उसे ऐसा, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो अभी तक आपके लेवल में पहुंचे नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा जॉब करते हो या बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है आपका, ठीक है, आपका जो पर्सोना है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो आपके पार्टनर को ना कहीं डर लगता है कि क्या वो आपके लेवल के हैं। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है।
हो सकता है आप दोनों के बीच एज गैप है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रेजेंस देना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके पिक्चर्स देखना चाहते हैं, चैनल मैसेज मुझे आ रहा है बार बार, ठीक है, आपके पिक्चर्स देखना चाहते हैं वो। एंड डेफिनेटली इस टाइम पे वो बैठे हैं, कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में चल रहे हैं थॉट्स, उनके माइंड में चल रहे हैं सारी चीज़ें, प्लानिंग्स कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड वो स्टेप्स ज़रूर लेंगे, ज़रूर मूवमेंट लेंगे, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी लेंगे, इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, एंजेलिक नंबर्स दिखते हो, 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, 222 666, ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं। एंड मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द कम्युनिकेशन आएगा, विद इन 6 आवर्स, 6 मिनट्स और विद इन 6 डेज, विद इन अ वीक, ओके, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स, बट मुझे नहीं लग रहा है कि 6 मंथ इतना टाइम लगने वाला है। तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी करेंगे वो आपको, ठीक है, एंड अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करेंगे। किसी किसी के लिए 2 मंथ्स के अंदर अंदर भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस डेफिनेटली है विद इन 2 मंथ्स, ओके, विद इन अक्टूबर और नवंबर, ओके, बहुत लोगों की रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। एंड ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, उन्हें पता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, डेफिनेटली उन्हें पता है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको आपके तरफ, लेकिन हाँ, थोड़े से खड़ूस, थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़े से एटीट्यूड किस्म के इंसान, एटीट्यूड वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे वो थोड़े से डोमिनेट करना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर डोमिनेट करेंगे तभी सब कुछ अच्छा चलेगा, और एल्स वो किसी के अंडर कुछ सुनेंगे नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे लग रहा है कि आप भी अपने पावर में रहते हो, आप भी किसी के अंदर कुछ सुन नहीं सकते, या फिर जो गलत है उसे मान नहीं सकते हो, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जानते हो, एंड अब उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, बट डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि आप दोनों का प्यार बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू लव है, बहुत स्ट्रांग लव है आप दोनों का, ठीक है। जितना भी आपके पार्टनर इग्नोर करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, 24/7 उनके दिमाग में आप रहते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, अगर काम भी करते हैं तो उनके दिमाग में आप रहते हो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनली अटैच है आपके साथ, बहुत इमोशंस हैं उनको आपके लिए, चाहे एक्सप्रेस करें ना करें, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो ट्रेट्स ऐसे हैं ना कि वो दबाने की कोशिश करते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके अकॉर्डिंग चलता है तभी रिलेशनशिप्स वगैरह पॉसिबल है, और एल्स छोड़ देते हैं, बाकी का देखा जाएगा, ऐसी है, ठीक है। लेकिन उनकी जो इंट्यूशन है वो उन्हें यही कहती है कि आप उनके लिए सब हो, उनके इंट्यूशन ये कहती है कि उनको आपके पास आना चाहिए, और डेफिनेटली वो इंट्यूशन की सुनेंगे, ठीक है। हो सकता है उन्हें भी कुछ सिंक्रोनिसिटी साइंस मिल रहे हैं जिससे उनको आपकी याद दिलाती है, ओके। तो डेफिनेटली ये फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है, करेंट फीलिंग्स उनकी यही है। बहुत लोगों के ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ी देर बाद ही आपको कॉल मैसेज करें या टेक्स्ट करें, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है, बहुत जल्द करेंगे बहुत लोगों के, ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं और भी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। हमारे पास है रीबर्थ, ओके, तो हो सकता है कि कुछ पेनफुल एंडिंग्स आप लोगों की हुई हो, कुछ ब्रेकअप्स हुआ हो, या आपके पार्टनर किसी पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे उनके करियर जॉब से रिलेटेड या कुछ भी दुखदायक हो सकता है, या थर्ड पार्टी से निकल रहे हो, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फाइटिंग, ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने थॉट से। शेयरिंग, किंग ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, वाओ, देखो दो कपल्स हैं, वाओ, सो क्यूट, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, डेफिनेटली, ठीक है, कपल्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के, हारमनी, आपके पार्टनर आपके साथ हारमनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ठीक है, एक बैलेंस चाहते हैं। फिर है हमारे पास करेज, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपना स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया हो पास्ट में, या आपको डम किया हो, चीट किया हो, या बहुत सारे झूठ बोले हों, या आपको थोड़ा रूड वे में बात किया हो आपको, ठीक है, थोड़े से उसमें उसके अंदर ना उस वजह से स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है कि आपको आपके आपके पास किस मुंह से आएंगे, अगर आएंगे तो आप उन्हें अपनाओगे कि नहीं, क्योंकि इनके लिए ईगो, इनका प्राइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई इन्हें रिजेक्ट करे, ठीक है। फिर है सिज़ोफ्रेनिया, तो कन्फ्यूजन है उनके माइंड में थोड़े, ठीक है, ये सब थॉट्स को लेके, उनके थॉट्स में ही कन्फ्यूजन है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, ठीक है, मतलब थॉट्स एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं, एक बार नेगेटिव हो जाते हैं, एक बार सोचते हैं कि चला जाता हूँ, फिर एक टाइम सोचते हैं कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया या इसने कुछ मुझे उल्टा बोल दिया तो कैसे क्या होगा, ठीक है। द रेवल, दो चीज़ यहाँ पे आ रही है मैसेजेस, एक तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हैं बहुत स्ट्रांगली, और दूसरा चीज़ है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अब कुछ किसी चीज़ का वेट हो, वो बस जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ओके, डेफिनेटली।
तो नेक्स्ट मूव देखते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट मूव मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, तो देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा व्यूअर्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग खुश हो कि नहीं हो, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, मतलब मैंने तो देखे नहीं है इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स एक ही बार में, इतना प्यार। ओके, चलो 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 देखते हैं। वाह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट मूव तो यही दिख रहा है कि नेक्स्ट मूव तो नहीं, अभी से वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं एंड आगे भी ध्यान रखेंगे। एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर वो किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन से जा रहे हैं या उनकी कैरियर स्टेबल नहीं है, तो उनकी कैरियर स्टेबल होगी, वो सक्सेस हासिल करेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। प्योर एरोज ऑफ लव, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर लव है एंड डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ही होगा, आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ेंगे, बहुत जल्द स्टॉकिंग वगैरह तो चल रही है और बहुत जल्द कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी एंड किसी किसी को कमिटमेंट भी मिल जाएगा। ओके, सो विद इन 8 hours, 8 minutes, 8 weeks और विद इन 6 minutes, 6 weeks और विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन क्लियरली मिलेगी आपको। ओके, तो उनका नेक्स्ट मूव आपके तरफ ही है, वो आपके तरफ बहुत जल्द बढ़ेंगे और सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद शायद आप लोग मिलो, ठीक है, या डेट पे जाओ, जो भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या हैं उनके तरफ से आपके लिए, तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो खुद ही कहेंगे आपसे आके, ठीक है, बहुत जल्द। चलो देखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत कुछ कहना है उनको। सबसे पहला मैसेज है, आई डोंट वॉन्ट टू हियर यू टॉकिंग टू अदर गाइज। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, सो अगर आप बॉय हो तो वो नहीं चाहते कि आप किसी और गर्ल से बात करो, अगर आप गर्ल हो तो वो नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे लड़कों से बात करो, ठीक है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत जेलस है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव है आपको लेके, वो चाहते हैं बस आप उनके बने रहो। फिर है, यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है, अपना आपको अपना सनशाइन मानते हैं, मे बी उन्होंने आपसे कन्फेस भी किया हो कि आप उनके लिए ब्लेसिंग की तरह हो या सनशाइन हो। फिर है, आई विश यू वेयर हेयर, ठीक है, वो उनकी दिल की तमन्ना है कि काश आप उनके करीब होते, आप उनके पास होते, तो बहुत ज़्यादा मिलने की वाइब्स आ रही है, ठीक है, आपको मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, उनसे ये फिजिकल डिस्टेंस सहन नहीं हो रहा है। फिर है, आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी जो लेवल है उन्होंने बहुत हाई रखा हुआ है, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव में, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं वो। फिर है, योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी, सबसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो एब्सेंस है, जब आप नहीं रहते उनके करीब उनके पास, तब उन्हें बहुत अकेला महसूस होता है, तो उन्हें कभी छोड़ना मत। फिर है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। ओके, सो ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना। ओके, मे बी आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हों या उनके कुछ मैसेजेस हों जो इस गाने में छुपे हुए हों। फिर है, फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़, वो चाहते हैं कि आप भी अपने ऊपर फोकस करो, आप भी अपने करियर पे काम करो, ठीक है, एंड सेल्फ लव में ध्यान दो। फिर है, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, आपके बारे में सब कुछ याद रखते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं भूला है आपके लिए, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच हुई सारी चीज़ें उन्हें याद है। यू आर माई सोलमेट लव। ओके, सो आपके पार्टनर को शायद सोलमेट टर्म पता हो एंड वो चीज़ को फील कर पाते हैं कि आप उनके लिए बने हो, उनके अदर हाफ हो, ठीक है। फिर है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू, तो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो और उनका जो प्यार है कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता, उनका प्यार आपके लिए हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर है, आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज। ओके, 18+ मैसेज है। ओके, सो दे वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज, ये टेक केयर योर सेल्फ बेबी। ओके, तो वो चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखो, बेबी ये भी बहुत वाइब्स आ रही है, आप लोगों के पार्टनर आप लोगों को बेबी या बाबू कह के बुलाते हैं क्या, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फिर है, मुझसे शादी करोगी, ये मैरिज प्रपोजल, देखो इनडायरेक्टली मेरी तरफ से मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो शादी वगैरह फिक्स होती है तो मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे भी इन्विटेशन कार्ड और गिफ्ट्स वगैरह मिल जानी चाहिए टाइम पे। जस्ट किडिंग गाइस। ओके, डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा, बहुत लोग की मैरिजेस भी होगी, आपको खुद प्रपोजल देंगे वो मैरिज का एंड आपके पार्टनर ये सोचते भी हैं, उनके माइंड में भी प्लानिंग्स में भी हो सकती है शादी को लेके, या फिर डेफिनेटली बहुत लोग के पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए, ठीक है, या फिर कमिटमेंट के लिए।
हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और सेपरेटेड हो, तो आपके पार्टनर जल्द से जल्द भागते भागते आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ के। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, आप लोगों के साथ रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।